दोस्तों हमारे खास प्रोग्राम जर्नी टू बॉलीवुड में आज हम बात करने वाले हैं राधिका आप्टे के बारे में। राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर 1985 में पुणे में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर चारू आप्टे भारत के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन रह चुके हैं। राधिका आप्टे ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। राधिका आप्टे ने कई शॉर्ट फिल्म्स और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। राधिका ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। राधिका आप्टे ने पुणे के एक कॉलेज से इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है। पुणे में रहकर ही इन्होंने 8 साल तक कथक सीखा। 4 फिल्मों में काम करने के बाद कंटेम्पररी डांस सीखने के लिए वे लंदन चली गई। उन्होंने बॉलीवुड में अपने अभिनय के सफर की शुरुआत 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी में छोटा सा किरदार निभाकर की थी। राधिका आप्टे ने वरुण धवन के साथ फिल्म बदलापुर में भी काम किया है। कपड़े उतारो। इसके साथ ही राधिका ने द वेटिंग रूम, आई एम, शोर इन द सिटी, रक्त चरित्र जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, राधिका ने 2009 में आई बंगाली शॉर्ट फिल्म अंतहीन में भी अभिनय किया है। 2016 में ही राधिका ने रजनीकांत की बड़ी फिल्म कबाली में भी काम किया है, जिसमें रजनीकांत की पत्नी का रोल निभाया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ टेलीविजन एड्स में भी काम किया है। अक्षय कुमार के साथ उनकी अगली फिल्म पैडमैन 2018 में रिलीज होगी। हम आशा करते हैं राधिका इसी तरह अपने अभिनय और डांस से कामयाबी हासिल करती रहे और उनकी आने वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो। केकरा केकरा को मारेगा दशरथ, मुखिया बनिया जमींदार पुजारी कितना को मारेगा, ये सबकी नजर खराब है। कर में जरा थोड़ी बैल साथे भागे जानवर के जानवर रहेगा। फॉर मोर बॉलीवुड डिटेल्स एंड अपडेटेड न्यूज सब्सक्राइब अवर चैनल।